हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। 9.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक इंट्रो सीखेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद ए बाइनोमियल, यानी कि एक टर्म वाली एक्सप्रेशन की हम मल्टीप्लाई करेंगे टू टर्म वाली एक्सप्रेशन के साथ। सो 3x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 7y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है कि 3x की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x स्क्वायर के साथ, एंड देन 3x की अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7y के साथ। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके जो कोफिशेंट हैं दोनों ही टर्म के, हमें उनका प्रोडक्ट निकालना। 5 3 15 x³ माइनस सेम एस 3 7 21 x y। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन विद ए ट्रिनोमियल, अब हम एक मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एक ट्रिनोमियल के साथ, ठीक है। तो 4x² 3x प्लस 4y माइनस 7। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि 4x² इंटू 3x प्लस 4x² इंटू 4y माइनस 4x² इंटू में 7। सो मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि 4 3 12। नाउ अब हमें क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट निकालना, यानी कि x³। यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट 4 4 16 x² y माइनस 4 7 28 x² क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक, इवेल्युएट ऑफ evaluate of algebraic expression after simplification। evaluate, हमें evaluate करना है 6x² माइनस 3 प्लस 4x माइनस 2 फोर एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6x एंड x² माइनस 3। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि 6x एंड x² माइनस 3 का प्रोडक्ट निकालना है। तो 6x को पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है x² के साथ, एंड अब 6x को मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 के साथ। देन रिजल्ट इज 6x³ माइनस 18x। अब मुझे क्या करना है कि प्रोडक्ट निकालना है 4x एंड x माइनस 2 का। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि 4x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, एंड देन 4x को अब मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 के साथ। सो रिजल्ट इज 4x² माइनस में 8x। 6x x² माइनस 3 प्लस 4x x माइनस 2 अब इक्वल है, किसके इक्वल रहा है ये, 6x³ माइनस 18x प्लस 4x² माइनस में 8x। अब इसको हम क्या करेंगे कि 6x³ एंड 4x², अब देखिएगा माइनस 18x एंड 8x दोनों ही टर्म सेम है, इनकी लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 26x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें क्या कर देना है, x इज इक्वल टू 2, जो वैल्यू है x की वो हमें यहाँ पर पुट कर देनी है, यानी कि
देखिएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन, क्लियर है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे कि 6q+4 जहां भी x है वहां हम वैल्यू 2 पुट करते हुए चलेंगे, क्लियर है। 2 3 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, क्लियर है। 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 रहेगा, ठीक है। -52, देखिएगा 48+16 माइनस में 52, देन रिजल्ट इज 12, क्लियर है। सो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है कि उनका जो है हमें मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट 4p and q+r, यानी कि 4p को पहले मल्टीप्लाई करना है हमें q से एंड फिर 4p को मल्टीप्लाई करना है हमें r से, देन रिजल्ट इज 4pq+4pr। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट नंबर 3, a+b × 7a² and b². सो a इज मल्टीप्लाई बाय 7a² b² प्लस b मल्टीप्लाई बाय 7a² b². मल्टीप्लाई कीजिएगा 7a³b² प्लस 7a² b³। सो लास्ट पार्ट इज pq+qr+rp। अब हमें क्या करना, अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी भी नंबर को चाहे वो एलजेब्रिक ही क्यों ना हो अगर हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो हमेशा और हमेशा कितना आना है, जीरो आना है, क्लियर है। तो इसको ज़्यादा लंबा करके हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी आर स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 3, a^2 × 2 a^22 × 4 a^26। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन तीनों ही मोनोमेल्स की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है इनके कोफिशियंट की, यानी कि कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या रहेगा 2 4 जा 8, क्लियर है। एंड ए यानी कि बेस सेम है ए, और अब क्या हो जाएगा कि उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे 2 + 22 + 26, देन रिजल्ट इज a × a^50, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इज × 6/5 pq q। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इन दोनों ही मोनोमेल्स के कोफिशियंट की हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो देखिएगा × 6/5, क्लियर है। 5 2 जा 10 एंड 2 3 2 जा 6, देन रिजल्ट इज -4, क्लियर है। pq³ × pq³। अब हमें क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर हैं हमें उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p^4 एंड q^4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, a² + a + 1 + 5, फाइंड इट्स वैल्यू 4 जब a की वैल्यू 0 हो, a की वैल्यू 1 हो एंड
ए की वैल्यू जो है वो माइनस वन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, तो ए की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिएगा ए क्यू, ए की ए स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर, ए क्यू प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस फाइव। अब देखिएगा ए इज इक्वल टू जीरो, जहाँ भी ए है हमें वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो कितनी पुट कर देनी है, जीरो पुट करनी है। जीरो रेज टू पावर थ्री, जीरो रेज टू पावर टू प्लस जीरो प्लस फाइव, सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे एंड प्लस फाइव मीन्स फाइव। अब देखिएगा ए इज इक्वल टू वन, ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस फाइव, हमें हमारे पास एक क्या है एक्सप्रेशन दी हुई है। अब हमें क्या करना है, जहाँ भी ए है वहाँ वन वैल्यू पुट करनी है। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि वन को जो हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई क्यों ना कर ले, हमें रिजल्ट वन ही मिलना है। तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस फाइव, देन रिजल्ट इज एट। अब देखिएगा ए इज इक्वल टू माइनस वन, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है ए क्यूब ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस फाइव। जहाँ भी ए है हमें क्या करना है कि वहाँ पर माइनस वन पुट करना है। कीजिएगा ठीक है, माइनस वन को अगर हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम ओड नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू जो है माइनस की माइनस में ही आनी है, ठीक है, और अगर इवन में करते हैं तो वो क्या आनी है, हमारी इवन में ही आनी है। क्लियर है? अब देखिएगा प्लस वन माइनस वन प्लस फाइव, प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, यानी कि प्लस की जो भी वैल्यूज हैं सिक्स रिजल्ट, एंड माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिक्स माइनस टू इज फोर। क्लियर है? अब देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट नंबर बी, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर फोर हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का ए पार्ट देखिएगा एक बार। थ्री एक्स फोर एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री, वैल्यू में फाइंड करनी है x 3 हो और x जो है वो 1 बाय 2 हो। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल वे में लिखेंगे 3x की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 4x के साथ, एंड 3x की मल्टीप्लिकेशन जो हमें करनी है वो किसके साथ करनी है, माइनस फाइव के साथ। क्लियर है? एंड 3 4 जा 12 एक्स स्क्वेयर माइनस 5 3 जा 15 एक्स प्लस 3। व्हेन x इज इक्वल टू थ्री, सो 12, जहाँ भी x है हमें क्या करना है, वहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर देनी है। 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। एंड अब देखिएगा 9 की जब आप 12 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 108 माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3। प्लस प्लस वाले नंबर को आप क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे और क्या करेंगे फिर उसमें से माइनस कर देंगे। तो 111 में से 45 को आप माइनस कीजिएगा, कितना आएगा कीजिए फटाफट, ठीक है 6 6। क्लियर है? अब देखिएगा जब x जो है वो 1 बाय 2 हो तब हमें क्या करना है, देखिएगा 12 1 बाय 2 स्क्वेयर माइनस 15 1 बाय 2 प्लस 3। 1 बाय 2 की जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन रिजल्ट इज 1 बाय 4। क्लियर है? माइनस 15 बाय 2 प्लस 3, 4 3 जा 12, 3 माइनस 15 बाय 2 प्लस 3, यहाँ भी 3 प्लस में है और यहाँ भी 3 प्लस में है, यानी कि 6 माइनस 15 बाय 2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस, इनके माइनस 3 बाय 2। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5,
पार्ट नंबर ए हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखिएगा पी माइनस क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है कि मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड फिर हमें क्या करना है उन सब रिजल्ट्स को जो है वो ऐड करना है। क्लियर है? तो देखिएगा पी को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू स्क्वेयर माइनस में क्यू आर आर स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर माइनस में आर पी। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू बाइनोमियल में हमें ऐड करना है क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर। कीजिएगा बाय एडिंग। आपको पता है कि ऐड जब हम करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, सो माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस पी क्यू एंड पी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है कि इसमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल दी हुई है उसको ऐड करना है, यानी कि आर स्क्वेयर माइनस में आर पी। ऐड कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो आप क्या करें इसको सेम एज लिखेंगे। क्लियर है? सो लास्ट क्वेश्चन इज डी पार्ट। आपको क्या करना है इसमें, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? देखिएगा 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी को माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इसको इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको माइनस करना है। हमें जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हमें माइनस करना है 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाने हैं इनके, 2b स्क्वायर माइनस में 2bc। देखिएगा यहाँ पे जो लाइक टर्म होंगी उसको हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि 3a स्क्वायर सिंगल टर्म है ए स्क्वेयर वाली, अब देखिएगा बी स्क्वेयर, अब देखिएगा ab। अब हम बात कर रहे हैं ab की, 3ab माइनस 2ab यानी कि माइनस का ab माइनस का 2bc प्लस 3ac। अब हमें क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को हमें माइनस करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर। सो देखिएगा माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर में से हमें क्या माइनस करना है? 3a स्क्वेयर, लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2b स्क्वेयर माइनस ab, ये भी अनलाइक है, माइनस 2bc लाइक टर्म है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है प्लस 3ac। अब देखिएगा बाय सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको कहा था कि सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या रहेगा कि सेकंड जो एक्सप्रेशन रहेगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो साइन चेंज करने हैं हमें, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस कर देना है। क्लियर है? सो सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाना यानी कि माइनस का 7ac प्लस 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 हो जाने की प्लस का 6bc प्लस 4c स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर एंड प्लस ab। क्लियर है?
अब इनको जो है इस वाले एक्सप्रेशन को हमें सबसे पहले इसको एक मैनर के अंदर लिखना है, यानी कि सबसे पहले देखिएगा कि माइनस थ्री ए स्क्वेयर माइनस टू बी स्क्वेयर एंड प्लस फोर सी स्क्वेयर। अब देखिएगा हमें ए बी वाले उठानी है, प्लस ए बी प्लस सिक्स बी सी माइनस सेवन ए सी। क्लियर है।